सो फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि आप अपने फोन को सीसीटीवी के जैसा यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप अपने फोन को एज ए सीसीटीवी जैसे एकदम लाइव फुटेज देख सकते हैं अपने घर के। तो इसके लिए आपको फोन चाहिए सिर्फ दो, जिससे आप एक कैमरा के जैसा यूज करोगे और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा। यदि आपको जानना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिल्टू, टेक्निकल बिल्टू में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अभी ऑन करो, क्योंकि मैं मोबाइल रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपको इसके लिए दो फोन की जरूरत होगी। पहला फोन को आप ले लीजिए जिसको आप कैमरा पर्पज से यूज करना चाहते हैं। उसके बाद आप उस फोन को इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट कर लेने के बाद आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है और सर्च करना है आईपी वेबकैम। उसके बाद आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप उसे ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद आपको नीचे साइड आना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टार्ट सर्वर, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको कोने में एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्शन। एक्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉपी यूआरएल। आप उस यूआरएल को कॉपी कर लेने के बाद आप अपने फोन में यानी कि दूसरे फोन में आप उस लिंक को भेज दीजिए। उसके बाद आप अपने फोन को कहीं एक रूम में एक सेपरेट जगह में रख दीजिए, जहाँ पर किसी का हाथ ना पहुँचे उस जगह में रख दीजिए। उसके बाद आप दूसरे फोन को ले लीजिए जिसमें आप पहला फोन से दूसरे फोन में लिंक भेजे थे। उसके बाद आप उस लिंक को उस फोन में कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम ब्राउजर, कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं। ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है और उस लिंक को कॉपी किया हुआ लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ब्राउजर, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप अपना घर का लाइव फुटेज देख सकते हैं। आप इसी स्टेप को फॉलो करके आप अपने फोन को सीसीटीवी के जैसा यूज कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।